Hello student, this is Manav Dahiya and welcome to our official YouTube channel. दोस्तों आज मैं अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए ATC Maths का जो पेपर हुआ था 2016 में उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है ना? क्लियर? ये यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम होगा कि आपको ATC के सॉल्यूशंस मिलेंगे. क्लियर? तो मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रहा हूँ. इसके बाद मैं 2016 का मॉर्निंग शिफ्ट का करूँगा, उसके बाद मैं आपको 2015 के सॉल्यूशन दूंगा. क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए कुछ सॉल्यूशन मैंने करा दिए थे लेकिन मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे नए आए उनको भी ये चीज़ मिल जाए. तो मैं 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जिससे आपका भी रिदम अच्छा रहेगा कि आपको 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक साथ मिलेंगे. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व. आपको दो कर्व दिए हुए हैं, एक्स इक्वल टू ए ई की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है. ठीक है, इसका सॉल्यूशंस करना है अपन को. तो क्लियर, अब मैं क्वेश्चन को यहाँ कर लेता हूँ और मैं सॉल्यूशंस यहाँ करता हूँ. ठीक है, चलिए. तो गिवन क्या है, एक्स इक्वल टू ए ई की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. इसी टाइप से वाई दिया हुआ आपको ए ई की पावर थीटा और आपको दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. देखो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है. तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर लीजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ये आएगा ई की पावर टू थीटा. अब देखो जब इसका स्क्वायर करके आप एडिशन करोगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है. वैसे वैसे ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, 1 प्लस 1. अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा और स्क्वायर करने पे यहाँ पर आएगा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली ये आया अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ई की पावर 2 थीटा. अब ध्यान रखिए जब ये समीकरण आ गई, ये इक्वेशन आ चुकी है. अब मुझे बताइए इक्वेशन किसकी लग रही है आपको, ये इक्वेशन है सर्कल की, याद आया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. लेकिन ये सर्कल जो है ये वेरिएबल है क्योंकि ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है. बट कुछ भी अगर सर्कल बनाएंगे तो सर्कल या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या कुछ भी बने, सिंपल सी बात है. तो इस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो या नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो उस पॉइंट की जो, ठीक है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, अपन कहाँ से बोल देते टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व. तो सिंपल सी बात है, वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होंगे. क्योंकि आप कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो जो सेंटर्स डिस्टेंस क्या होती है वो तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि सर्कल है. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एक बार देख लीजिए. द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है. मैंने कराया हुआ है फिर भी मैं सारे क्वेश्चन एक बार साथ में करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है ना. तो इसका अपन को सॉल्यूशंस करना है. क्लियर? चलिए तो इसका सॉल्यूशन मैं यही कर देता हूँ. देखो बेसिकली क्या है, ये अपन को दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, राइट, वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ई की पावर 3x. तो सिंपल से कैसे निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको जीरो करते हैं. तो इसको जीरो करोगे तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और d की वैल्यू कितनी आएगी, 2. d होता क्या एक्चुअली, वाई अपॉन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, राइट. तो आपको इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए. तो इस वाले का सॉल्यूशन होता है सी वन ई की पावर, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस सी टू ई की पावर 2x. क्लियर? ठीक है ना, ये सॉल्यूशन होता है सी वन ई की पावर, जो भी आता है इसका सॉल्यूशन एक्चुअली ये होता है एम एक्स प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स. अब ये एम वन होता है और ये एम टू होता है, ठीक है ना. तो ये एम वन एम टू लास्ट ई की पावर 3 से कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है ई की पावर 3x. इसका देखो नीचे फैक्टोरियल आता है, फैक्टोरियल 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आता है, 3 आता है. क्लियर? इसका डिफरेंशियल 3 आएगा. तो ये फैक्टोरियल 3 को आप जब ओपन करोगे 3 इंटू 2 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा. तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको p इक्वल टू साइन वाई माइनस एक्स पी दिया हुआ है. तो आपको निकालना है विच सॉल्यूशंस सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस. देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया ना डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो जब आपका पेपर होने वाला होगा ATC, उससे मैं 5 दिन पहले आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता है पेपर, ठीक है ना. तो ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये ऑप्शन से किए जाते हैं. जैसे मैं सी वाला ऑप्शन उठाता हूँ, तो सी वाला ऑप्शन का अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो क्या आएगा, c प्लस 0 आएगा. अच्छा अब क्या करना है, इस वाले के अंदर सारी वैल्यू रख देनी है. dy बाई dx क्या है, p को अपन dy बाई dx बोलते हैं. तो p इज वॉट, p की वैल्यू देखो, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आई, c साइन. y कितना है, अब y की वैल्यू लिखनी है, y तो ये दिया हुआ है, y इक्वल टू हो गया सी एक्स प्लस साइन इनवर्स c माइनस x. अब p की वैल्यू कितनी आई थी, c आई थी, तो x से x ही कट गया
ये हो गया सी ऑफ साइन इनवर्स सी, ये भी कट जाएगा, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, सी आ गया। तो इसका मतलब थर्ड वाली इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव था, ये मैं आपको जब थ्योरी बढ़ाऊंगा तो एकदम सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ, ठीक है, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल। ये बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इस पेपर के अंदर जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो मैं सारे कर रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द, ये देखो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, छोटा सा सॉल्यूशन है। देखिए सबसे पहले e की पावर माइनस एक्स को अगर आप वन अपॉन ई एक्स लिख देंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन डी एक्स अपॉन, इसको आपने अगर लिख दिया वन प्लस ई एक्स, और इसको लिख दिया वन प्लस वन बाई ई एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, सॉल्व इसको आई एज्यूम कर लीजिए, इसको आई सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ई एक्स अपॉन, ये हो जाएगा ई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर आपको टी एज्यूम करना है, ये ऊपर डी टी आ जाएगा, ठीक है। ई एक्स प्लस वन को टी इसको एज्यूम करना है तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन एक बार देख लीजिए सब लोग। द वैल्यू ऑफ माइनस वन से वन, जीरो से आपको दिया हुआ है जेड एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड, और आपको पूछा इसका आंसर क्या होगा। क्लियर, चलिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो ये ट्रिपल इंटीग्रल है, तो अभी तक अपन ट्रिपल इंटीग्रल तक पहुँचे नहीं है, बट मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ कैसे करना है। तो आपको लिमिट दी हुई है माइनस वन से वन, अगली लिमिट दी हुई है जीरो से जेड, और अगली वाली दी हुई एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस जेड, ठीक है। और ये दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन, सबसे पहले देखो जो भी यहाँ पर लिमिट में दिया होता ना, जैसे यहाँ पर एक्स और जेड दोनों दिए हुए हैं, तो उन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे सबसे पहले, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब वाई का करेंगे, क्योंकि ये दोनों लिमिट में दी हुई है, बस ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है। तो मैं वाई का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, इस वाई वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो कितना आएगा, एक्स वाई, वाई के स्क्वायर में कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, और ये हो गया जेड वाई। क्लियर, ये आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर लिमिट क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड, यहाँ तक दिक्कत। और इंटीग्रेशन ये वाला पड़ा है माइनस वन से वन, जीरो से जेड। अब क्या करोगे आप, ये लिमिट एक्स प्लस जेड और एक्स माइनस जेड इसमें पुट करते हैं, देखो क्या आएगा, माइनस वन से वन इंटीग्रेशन जीरो से जेड। तो देखो किसका, ये वाई की लिमिट थी तो सिर्फ वाई के अंदर ही आएगा ध्यान, तो y के अंदर आपने x प्लस जेड रखा और ये रखा x प्लस जेड का स्क्वायर बाई टू रखा और z और ये x प्लस जेड रखा, ठीक है, y के अंदर। फिर माइनस करेंगे इसी टाइप से, नीचे वाली लिमिट भी रखेंगे तो x x माइनस जेड, फिर आएगा x माइनस जेड का स्क्वायर बाई टू, फिर आपका z और x माइनस जेड। मेरी बात समझ मारिए, इसको पूरा सॉल्व करना है। क्लियर, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, बेसिकली एक्स और जेड मिलेगा। अब मुझे बताइए लिमिट किसकी दी हुई है, जेड की दी हुई है। तो अगर जेड की लिमिट दी हुई है तो आपको किसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में करने के बाद जब आप लिमिट पुट अप करेंगे तो पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन जेड में चेंज हो जाएगा। अब जेड का डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है और एक बार लिमिट रखनी है माइनस वन से वन। लेकिन मजे वाली बात यह है कि जेड जो होगा वो फंक्शन बन जाएगा इवन का, किसका बन जाएगा, इवन फंक्शन, इवन क्या सॉरी ऑड बन जाएगा। और ऑड फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी लगती है इंटीग्रेशन की कि माइनस ए से ए अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर होता है जीरो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप ये सॉल्व करना है, जेड लिमिट रखोगे वो ऑड फंक्शन बन जाएगा और लास्ट में लिमिट ये दी हुई है तो उसका आंसर सीधा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं पूरा सॉल्यूशन कीजिए, अरे ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो मैं टेलीग्राम पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिम्प्टोट का। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। सबसे पहले बता देते हैं, इसको छोटा करता हूँ मैं, एसिम्प्टोट होता क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और दिया हुआ है प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एसिम्प्टोट होता मतलब क्या है, एसिम्प्टोट मतलब होता है कि जैसे मान लो ये ग्राफ है तो इसकी मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट जब ग्राफ को इन्फिनिटी पॉइंट पे टच करती है तो ऐसी लाइन को अपन बोलते हैं एसिम्प्टोट, राइट। अब निकालेंगे कैसे, जैसे ये एसिम्प्टोट दिया हुआ है तो इसके एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो,
एक बार कॉमन क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको डिवाइड में कर दो तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको जीरो कर दो तो जीरो करने पे क्या आएगा, प्लस माइनस ए आएगा, तो ये हुआ आपके एसिम्प्टोट। आ रही बात समझ में, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस ए। ऐसे ही आप एसिम्प्टोट इसके वाई के भी निकाल, एक्स के भी निकाल सकते थे। तो अगर आप एक्स को भी अलग करोगे तो एक्स के कितने एसिम्प्टोट आएंगे, सॉरी वाई कितना आएगा, वो भी क्या आएगा, प्लस माइनस ए आएगा। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। ये तो एसिम्प्टोट निकाल दिया। अब इस एसिम्प्टोट को जब आप कर्व में बनाओगे, देखो एक्स की वैल्यू ए ए पॉइंट बनाओगे, फिर ये पॉइंट बनाओगे, ये पॉइंट बनाओगे, ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, एक्स की वैल्यू प्लस ए, वाई की वैल्यू माइनस ए, एक्स की वैल्यू प्लस ए ये हो गया, एक्स की माइनस ए, वाई की ए, और ये दोनों नेगेटिव, तो एक स्क्वायर बनेगा। अब सिंपल सा स्क्वायर बन रहा है तो क्या होगा, साइड कितनी होगी इसकी, टू ए होगी कि नहीं होगी, टू ए हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है, साइड टू ए का। क्लियर, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, एज सून एज न्यू वेरिएबल इज फाउंड बाय, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब बेसिकली क्या, एक मेथड होता है, ठीक है ना, इन द लीनियर इक्वेशन दिस मेथड इज कॉल्ड गाउस सीडल मेथड होता है, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेथड होता है जिसकी आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्लियर, तो इसका आंसर बी एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, द सॉल्यूशंस ऑफ एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड, ठीक है, इसका सॉल्यूशंस अपन को करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन ऐसे ही कर लेता हूँ। देखो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो उसका बेसिकली मेथड होता है, अपन को डी एक्स अपॉन एक्स लेना पड़ता है, ठीक है, डी वाई अपॉन वाई दिया हुआ है। बेसिकली ये पी क्या है, पी एक तरह से डी एक्स है, ये डी वाई है, और जेड के नीचे क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन जेड। ये इक्वेशन इस फॉर्म की, ठीक है ना, मैं आपको कराऊंगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी चल ही रहा है, एक दो दिन के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स, इसका करेंगे तो कितना आएगा, लॉग वाई, इसका करेंगे कितना आएगा, लॉग जेड। अब देखो जब भी इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई, इंटीग्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट लगता है, क्या लगता है, लॉग सी वन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग सी वन आएगा। लॉग से लॉग काटोगे तो क्या आया, सी वन की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन वाई। अब इसी टाइप से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता तो मेरे पास में जो सी टू की वैल्यू आती वो क्या आती, वो आती वाई अपॉन जेड आती, ठीक है। अब फंक्शंस की फॉर्म क्या होती, फंक्शन की फॉर्म होती है सी वन कॉमा सी टू। तो फंक्शन क्या आ गया, सी वन की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन वाई, और ये वाला वैल्यू आ गया वाई अपॉन जेड इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, ये मैंने कराया हुआ वैसे, लेकिन मैं वापस करा देता हूँ आपको। देखो यू दिया हुआ है, ठीक है, यू इतना दिया हुआ है, एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी आई इज इक्वल टू पूछा आपसे, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो बहुत ही आसान है, मैं दो मेथड बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये क्या, होमोजेनियस इक्वेशन है, और होमोजेनियस इक्वेशन के लिए एक यूलर फॉर्म आती है, वो ये बोलता है कि डी यू बाई डी वाई इक्वल टू क्या होता है, एन एफ होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो ये एन क्या होती है, होमोजेनियस डिग्री होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली आपको दिया हुआ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इसकी डिग्री कितनी है, वन, और वन कितना हो गया जीरो, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मैंने कल ही बताया था आपको होमोजेनियस इक्वेशन, तो एन की वैल्यू अगर जीरो इसमें रखते हो तो सीधा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ कि आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ लॉग साइन एक्स, एक लिमिट की वैल्यू पूछिए। लिमिट तो आपको आ जानी चाहिए, लिमिट तो मैंने बहुत ही शानदार कराई है, ठीक है ना, तो आपको आराम से आ जानी चाहिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, और अपन को दिया हुआ है लॉग साइन एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, देखो देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो फटाफट करना है, तो एक काम करो, जितना हो सके लिमिट जीरो बनाने की कोशिश करो, ये भी तरीका बहुत अच्छा होता है। लेट आई एज्यूम वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स, देन लिमिट जब एक्स इक्वल टू पाई बाई टू की तरफ जा रही होगी तो वाई कितना जा रहा होगा, जीरो। अब कंप्लीटली क्वेश्चन वाई में चेंज कर दो, तो लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो लॉग, ये देखो वाई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, पाई बाई टू माइनस वाई,
और जब आप एक्सिस का ये रखोगे तो लॉग साइन पाई बाई टू माइनस वाई आएगा, तो क्या होगा वो हो जाएगा कॉस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, डी एल हॉस्पिटल लगा दो, ठीक है। तो बताओ लॉग कॉस वाई का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, क्यों करा, क्योंकि जीरो बाई जीरो आ रहा है, तो ये उसका डिफरेंशिएट होगा माइनस का टेन वाई, क्योंकि लॉग का होता है वन अपॉन कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और नीचे हो गया टू वाई, टेन वाई अपॉन वाई कितना होता है वन, तो आंसर कितना हो गया माइनस वन बाई टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड इज द राइट आंसर, क्लियर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक जरूर करो या शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आराम से कर सकते हो आप। ये तीन इक्वेशन दिए और आपसे पूछा एक्स वाई जेड के बारे में क्या है। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है। अभी एक्स इक्वल टू वाई क्या करो, इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी पुट कर दो, तो क्या आएगा एक्स इक्वल टू वाई पुट करने पर, मतलब या तो वाई की जगह एक्स रख दो, तो ये आ जाएगा। देखो वाई की जगह मैंने एक्स रख दिया तो ये कितना होगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, तो साफ साफ पता चल रहा है जेड इक्वल टू कितना है, एक्स है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ गया, तो आंसर कौन सा राइट होगा, आंसर फोर्थ राइट हो जाएगा, क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो 21 भी देख लेते हैं। देखो 21 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 21 क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ कि इसका ट्रेपेजॉइडल रूल से क्या इसका आंसर आएगा। देखो ट्रेपेजॉइडल रूल तो अलग होता है, मैं बताऊंगा आपको ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, ऐसे चार रूल होता है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रेपेजॉइडल से करने जरूरत ही नहीं थी, आप तो सिंपल सा सीधा इंटीग्रेशन करते, इसका लॉग कितना आता वन प्लस एक्स और लिमिट क्या दी हुई है जीरो से वन, तो आंसर आता लॉग टू माइनस लॉग वन, और लॉग टू लॉग वन होता है जीरो, अब लॉग टू की वैल्यू जो होती है वो ये वैल्यू होती है, तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया, कहाँ करने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है आपको, चलिए ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये मैं आपको कराऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लेते देख लीजिए उसके बाद सॉल्यूशंस करते हैं इसका, ठीक है। बहुत ही इजी सॉल्यूशंस है, आपको बोला है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्या करना है, ये दिया हुआ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका इंटीग्रेशन करना है, किसके अंदर, वेयर सी इज द सर्कल, ठीक है। अब देखो एक थ्योरम आती है यार, क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं, एक कॉची रायमान थ्योरम आती है, क्लियर। अब देखो एक्चुअली देखो उसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, वो ये थ्योरम ये बोलती है कि आपको दिया हुआ मॉडुलस जेड इक्वल टू वन, मॉडुलस जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक सर्कल होता है ये, ठीक है। अब जो ये फंक्शन दिया हुआ ना एफ जेड, वो ये बोलता है कि अगर एफ जेड माइनस जेड माइनस ए, अगर ये जेड इक्वल टू ए करने पर, और ये ए पॉइंट क्या आ जाए इसके इस रीजन के अंदर आ जाए, तो जो इसका आंसर होता है वो होता है टू पाई ए, टू पाई ए एफ ए होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको पूरा बताऊंगा, टू पाई आई होता है, ठीक है, टू पाई आई एफ ए होता है, ये मैं पूरा बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इसको सॉल्यूशन की तरह देख लीजिए, ठीक है। टू पाई ए एफ ए होता है, वापस बता देता हूँ क्या है, देखो सिंपल सा इसकी थ्योरम भी होती है एफ जेड, ठीक है, ये लिखा हुआ जेड माइनस ए, और ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं आंसर बता रहा हूँ आपको टू पाई ए एफ ए, तो थ्योरम ये बोलती है कि ये होता है ना जेड इक्वल टू जीरो, इसको इसको जीरो करने पर कितना आएगा जेड इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो अगर बोलता है वो सिंगुलर पॉइंट, अगर जो आपको गिवन रीजन है, ये जो रीजन दिया हुआ है आपको, इस रीजन के अंदर हो, तो वो बोलता है कि अगर रीजन के अंदर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसको जीरो करोगे तो कितना आएगा जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू माइनस वन बाई टू, जो कि मॉडुलस जेड इक्वल टू वन के अंदर है, तो ऐसा बोलता है अगर इसके अंदर होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा टू पाई आई एफ ए। इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे अपन, अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो अभी टेलीग्राम पे बोल देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं, देखो इसको रफ कर देता हूँ मैं और इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब सिंपल सा मुझे बताइए सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट वो हो गया जिसके अंदर डिनोमीटर वाला पार्ट क्या होता है जीरो होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया वन अपॉन सी थ्री जेड प्लस वन अपॉन जेड अपॉन टू जेड प्लस वन, ठीक है। अब देखिए जो मुझे कर्व दिया हुआ है, कर्व जो दिया हुआ है मुझे एक सेकेंड, हाँ जो मुझे कर्व दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है मॉडुलस जेड इक्वल टू वन दिया हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ से जीरो करने पर एक तो आया जेड इक्वल टू जीरो, एक आया जेड इक्वल टू माइनस वन बाई टू, क्या ये दोनों पॉइंट इस कर्व में होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे होंगे, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कॉची रायमान इक्वेशन लग सकती है। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिखता हूँ, देखो क्या लिखता हूँ इसको, इसको लिखा मैंने जेड प्लस टू जेड प्लस वन, राइट, जेड अपॉन टू जेड प्लस वन। अब इसको मैंने सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट करने में कितना आएगा सी
ये आएगा 1 अपॉन 2z प्लस 1, और ये आएगा एक बार तो आ जाएगा 2z प्लस 1 और एक बार आ जाएगा 1 अपॉन z, मतलब दो फंक्शन, एक इसकी वैल्यू भी निकालनी, इसकी वैल्यू भी। अच्छा, इसको जीरो करने पर कितना आ रहा है, z इक्वल टू माइनस 1/2, इसको जीरो करने पर कितना आ रहा है, z इक्वल टू 0। ऊपर फंक्शन तो क्या दिया हुआ है, 1 ही दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिंपल, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2πi, ठीक है। लेकिन फंक्शन 1 दिया हुआ है इसलिए एफ ए निकालोगे ना, एफ ए मतलब ये वाली वैल्यू माइनस 1/2 इसमें रखोगे, वो तो ऊपर जो होगा वो फंक्शन होगा आपका, ठीक है ना, तो वो तो 1 ही आ रहा है, तो 1 का 1 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ 2, जो इंटीग्रेशन का रूल है, जब भी कॉन्स्टेंट होता है इसके पास में तो 2 का डिवाइड करना पड़ता है। एग्जैक्टली इसका आंसर कितना आएगा, इसका तो सिर्फ 2π आएगा और इसका कोफिशियंट 1 ही है, तो इसलिए कोई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3πi। देखो ये हो सकता है कुछ बच्चों को हार्ड लगी हो, बट ये मैं कराऊंगा तब आपको बिल्कुल ईजी लगेगी, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल 3π आएगा, क्लियर। अगर और भी कोई दिक्कत है तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए मैं एक बार वापस स्टेटमेंट बता देता हूँ, मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो मैं एक और एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, ठीक है ना, आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं मुझे अंदर से लग जाता है कि भाई ये बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इस क्वेश्चन, तो मैं वापस समझा देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे मॉडुलस जेड कोई रीज़न दिया हुआ, जैसे लेट बी दिया हुआ है ना, तो अगर मेरे को उसको जीरो करने पर जो ए आ रहा है वो इसके अंदर लाइक कर रहा है, लाइक अब जैसे देते जेड इक्वल टू 2 और ये वैल्यू मेरे पास जेड इक्वल टू 1 ही आ रही है, इसका मतलब इसमें लाइक कर रहा है वो, तो जब लाइक करेगा तो कॉची रायमान इक्वेशन बोलती है ऐसा होने पर क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2πi, और ये ए वैल्यू क्या करनी, इसमें पुट कर देनी है, तो ये हो जाएगा एफ ए। पिछले क्वेश्चन के अंदर ये 1 ही था, तो 1 के अंदर कुछ पुट करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, वही मिलेगा, 1 ही मिलेगा, इसलिए ये था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आपको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, बाकी इसका अपन अलग से एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा अपन पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट आपने अच्छी की हुई है। देखो मैं वापस बता देता हूँ आपको, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n जो होता है वो होता है n(n+1)/2 होता है, ठीक है। अच्छा, 1² + 2² + 3² से लेकर n स्क्वायर होता है वो कितना होता है, n(n+1)/2n+1)/6 होता है, ठीक है, एक सेकेंड, अपॉन 6 होता है। वैसे ही 1³ + 2³ + 3³ से लेकर n³ कितना होता है, ये होता है n(n+1)/2² अगर नोट नहीं किया तो कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये कितना हुआ n(n+1)/2, नीचे क्या दिया हुआ है n²। जब मैंने आपको लिमिट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कराई थी तो मैंने बताया था हाईएस्ट पावर का रेशियो जो होता है वही लिमिट होता है, तो ये n² + n है, ये 2n² है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, n², इसके कोफिशिएंट क्या है, 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 इज द राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, बेसिकली मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो ए बी कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, वैसे थियोरटिकल क्वेश्चन है, बट मैं आपको प्रूफ के लिए क्या करूँगा, आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए, लेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया आपने, एक तो ये ले लिया और एक बी ले लो 2002। अब रिजल्ट चेक कर लो, ए इंटू बी कब आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, ए बी इक्वल टू बी आएगा तभी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है, ठीक है ना, क्लियर। और भी कुछ ले सकते हो आप, तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला दिया, द ओनली फंक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट इज एनालिटिक, इसको ढंग से करते हैं अपन, ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले बता देता हूँ एनालिटिक फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, और इसकी भी एक थ्योरम होती है उसको बताते हैं अपन, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन वो बोलता है कि सपोज u इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। ये u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस आयोटा वाई, या इसको ऐसे ले लो आप कि टू फंक्शन u एंड v, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई फंक्शन f u v के अंदर ऐसा दिया हुआ है u प्लस आयोटा v, ठीक है, u प्लस आयोटा v, तो बोला जाता है कि फंक्शन एनालिटिकल वो होता है जिसके अंदर du बाई dx इक्वल टू dv बाई dy आए, और du बाई dy इक्वल टू माइनस dv बाई dx हो, अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिकल होता है, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है, जहाँ पर u जो होगा वो क्या होगा,
रियल पार्ट और वी क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। तो पहले ही कंडीशन नोट कर लीजिए, फिर इसको अपन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नोट कर ली, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, सबसे पहले वो एनालिटिकल क्यों हुआ, सीधा अपन आंसर पे बात करते हैं। तो मेरे को फंक्शन दिया हुआ था आपका साइन जेड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था साइन जेड। तो ये एनालिटिकल क्यों है देख लेते हैं अपन, ठीक है, सॉरी साइन जेड। अच्छा जेड क्या होता है, जेड होता है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिख दिया, अब फॉर्मूला बताइए मुझे फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो जब अपन ये करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन के साथ बता देता हूँ कि कॉस आयोटा वाई इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, और साइन आयोटा वाई होता है वो होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। क्लियर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मेरे पास में क्या आ गया एफ जेड आ गया मेरे पास में साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। क्लियर, अब देखिए मुझे ये बताइए u क्या हो गया, u होता है रियल पार्ट और ये क्या हो गया v। अब मैं एनालिटिक कंडीशन चेक करूँगा कौन सी थी, du by dx इक्वल टू dv by dy, ठीक है, और du by dy इक्वल टू माइनस dv by dx। तो u क्या हो गया, u हो गया आपका sin x cos hyperbolic y और v क्या हो गया cos x sin hyperbolic y। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ। चलिए du by dx कितना आएगा मुझे बताइए, du by dx आएगा cos x और cos hyperbolic y और dv by dy कितना आएगा बताइए, तो ये होगा cos x, sin का होता है cos hyperbolic y, देखो ये दोनों इक्वल आ गया ना। इसी टाइप से आप निकालिए du by dy निकालिए तो कितना आएगा sin x और sin hyperbolic y। अच्छा आप निकालिए अब dv by dx माइनस का निकालिए तो ये भी कितना आएगा sin x साइन हाइपरबोलिक वाई। इसका मतलब बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दैट्स वाई एफ जेड इक्वल टू साइन जेड जो होगा वो बिल्कुल एनालिटिक फंक्शंस होगा। आगे बात समझ में क्लियर, ठीक है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगा, जितना हो सकता है उतना ईजी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट थोड़ा क्वेश्चन अगर हार्ड आए तो आप दो बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए एक बार, फिर 30 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है, बेसिकली एक दो क्वेश्चन मुझे लगे इस पेपर के अंदर जहाँ कहीं मिस्टेक आई हुई है। तो पहला आपने क्वेश्चन देख लिया, इसके अंदर अपन को बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो अगर आपको याद हो मैंने लास्ट क्लास के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बताया था आपको, देखो सिंपल सा, देखो ये इक्वेशन थोड़ी सी अच्छी दी हुई है आपको, आपको क्या करना है कि आपको दिया हुआ वाई लॉग वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग वाई डी वाई। एक काम कीजिए, एक तरफ इसको इधर लेके चल जाएगा आप, वाई लॉग वाई डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई माइनस एक्स डी वाई लिख दीजिए। अब एक चीज़ याद रखिए, देखो अब आपके दिमाग में आएगा सर डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएं या डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएं। देखो जहाँ टर्म ज़्यादा होती है मैं इसको डी एक्स अपॉन डी वाई बनाऊंगा, ऐसा करने से क्या होगा देखो लॉग वाई माइनस एक्स अपॉन वाई लॉग वाई मैंने बना दिया। देखो जब भी न्यूमरेटर में टर्म ज़्यादा होनी चाहिए वो चीज़ बनानी है आपको, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से ज़्यादा न्यूमरेटर में टर्म होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इसको सेपरेट कर दीजिए तो लॉग वाई से लॉग वाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा डी एक्स वन अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई लॉग वाई, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसका इंटीग्रेट फैक्ट निकालना, मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, तो इसको और कर लेते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको माइनस को वहाँ लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई लॉग वाई इक्वल टू वन अपॉन वाई। इसका अपन को इंटीग्रेट फैक्टर निकालना है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, ये बिल्कुल है। तो इसका पी कितना होगा, पी तो ये होगा, तो वन अपॉन वाई लॉग वाई, लॉग वाई को टी एज्यूम कर लोगे वन अपॉन वाई डी वाई डी टी आ जाएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई आ जाएगा आपका। क्लियर, ये ई सी कट गया तो आपका लॉग वाई आ रहा है, तो इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, आंसर आएगा आपका लॉग वाई, ठीक है, इसको करेक्शन करके लॉग वाई कर देना, आपका इंटीग्रेट फैक्टर आएगा लॉग वाई, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अपन पार्ट टू में बाकी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, 30 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं और 30 से लेकर 60 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दूंगा, वो अभी एक घंटे बाद अपलोड होने वाला है, ठीक है, चलिए थैंक यू।